ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कुल्लू जिला के तहत निरमंड और आसपास की दर्जनों पंचायतों को निरमंड में बस अड्डे और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। निरमंड में लंबे समय से बस अड्डा न होने के कारण बसों को खड़ा करने व अन्य कई समस्याएं आ रही थी। सरकार की ओर से बस अड्डा और ITI भवन बनाने के जल्द निर्देश दिए गए हैं ताकि मुख्यमंत्री के द्वारा दोनों ही परिसरों का उद्घाटन किया जा सके। कुल्लू जिला के तहत निरमंड और आसपास की दर्जनों पंचायतों को निरमंड में बस अड्डे व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की समस्या का सामना अब नहीं करना पड़ेगा। निरमंड में लंबे समय से बस अड्डा न होने के कारण बसों को खड़ा करने व अन्य कई समस्याएं आ रही थी। सरकार की ओर से बस अड्डा और ITI भवन के निर्माण के जल्द निर्देश दिए गए हैं ताकि सितम्बर में मुख्यमंत्री के द्वारा दोनों ही परिसरों का उद्घाटन किया जा सके। आनी के विधायक किशोरी लाल ने दोनों ही परिसरों के निर्माण कार्य का जायजा लिया और बताया कि सरकारी भवनों का निर्माण गुणवत्तापूर्ण हो इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। उन्होंने बताया कि बस अड्डे में व्यवसायिक परिसर और पार्किंग आदि की भी सुविधा होगी। इसी तरह बिना भवन के चल रहे निर्माण ITI को भी आलीशान आधुनिक सुविधाओं से युक्त परिसर उपलब्ध होगा। किशोरी लाल ने बताया कि निर्माण बस अड्डे का निर्माण 2 करोड़ 2 लाख और ITI भवन का निर्माण 5 करोड़ 24 लाख से किया जा रहा है। दोनों ही परिसरों का सितंबर में मुख्यमंत्री उद्घाटन करेंगे। विभाग को सितंबर तक परिसर तैयार करने की डेडलाइन दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री जी सितंबर महीने में आएंगे और जहां हमारे दो ITI भवन का और बस स्टैंड का उद्घाटन होगा वहीं हम IPH विभाग में लगभग 35 करोड़ की जो योजनाओं का भी हम शुभारम्भ करने जा रहे हैं। उस दृष्टि से हमने विभाग को आज सख्त निर्देश दिए कि सितंबर महीने में हमने उसको तैयार करना है ताकि हमारे निर्माण में जो ITI के भवन के बच्चों को सुविधा मिले और निर्माण में जो खासकर बस स्टैंड में की हमारी बहुत ज़्यादा समस्या है और उस समस्या का समाधान भी हो जाएगा।